नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल 2019 का घमासान जारी है। यहां पर आठ एक से बढ़कर एक महा धुरंधर टीमें आपस में भिड़ रही हैं और दूसरी तरफ विश्व कप 2019 भी बेहद करीब आता नजर आ रहा है। 30 मई से शुरू होने वाले क्रिकेट के इस सबसे बड़े महाकुंभ की तैयारियां लगभग सभी टीमें कर रही हैं। जहां पर भारतीय टीम आईपीएल खेलने में बिजी है, वहीं सभी टीमें एक के बाद एक सीरीज खेलकर अपनी टीम को और मजबूत बना रही है। सवाल यह है कि आखिरकार भारत किस टीम को लेकर मैदान पर उतरेगा, आखिरकार वो कौन से 15 रणबांकुरे होंगे जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होने वाले। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन हमने इस साल देखा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जीतने के बाद ऐसा लगा कि भारतीय टीम जो है इस बार विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार है। लेकिन हम इंग्लैंड को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया की नंबर 1 टीम इस समय हर मैदान पर 350-400 रन बोर्ड पर लगा सकते हैं। ये हमने हाल ही में वेस्टइंडीज़ में देखा, बीते साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में देखा। ऐसे में इंग्लैंड को फिलहाल कम आंकना कहीं से भी सही नहीं है। अब भारतीय टीम की दिक्कत परेशानियां क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल आईपीएल 2019 की अगर आप बात करें तो भारत के जो दो सबसे बड़े बल्लेबाज हैं विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा और शिखर धवन, ये दोनों आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं। अब इनकी फॉर्म सबसे ज़्यादा चिंता का सबब बनी हुई है। आईपीएल में भी कोई बहुत ज़्यादा अब तक एज ऑफ नाउ इनके रन्स नहीं बने हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर भारत को अब तीसरे ओपनर की तलाश है। तीसरे ओपनर के रूप में विराट कोहली की जिद पर केएल राहुल का नाम सबसे आगे है। बहुत कुछ विवाद हुआ, कॉफी विद करण का विवाद हुआ, हर एक विवाद के बावजूद उन्हें टीम में मौका दिया गया, एक आधा 50 बनाया, लेकिन वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये ऐसे आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाजों को लेकर आप कैसे वर्ल्ड कप में उतरेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या आईपीएल भारत की राह में वर्ल्ड कप की राह में रोड़ा नहीं बनेगा, इस पर भी सवालिया निशान लगते चले जा रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन हमने देखा है, जिस तरह से भारतीय टीम को हमने बीते एक साल में देखा है, उस तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम बेहतर कर रही थी। लेकिन फरवरी में जिस तरह से इंस्टेंट कोलैप्स भारत का एकदम से हुआ, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जैसी कमज़ोर टीम ने भारत को भारत में ही रौंदा, उसके बाद से ये बात बिल्कुल साबित होने लग गई कि अब भारत को अपनी टीम में बदलाव की ज़रूरत है। अब भारत को अपनी टीम में ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें, जो भारत को आगे लेकर जा सकें और जो भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिता सकें। और उसके लिए एक नाम जो सबसे आगे दिख रहा है वो नाम है युवराज सिंह। जी हाँ, साल 2007 और साल 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जितवाने वाले द ग्रेट विंटेज युवराज सिंह को लेकर हमेशा बातें की जाती हैं कि ये वर्ल्ड चैंप क्या टीम में वापसी कर पाएगा, ये चैंपियन ऑलराउंडर क्या भारतीय टीम में एक बार फिर वर्ल्ड कप लेकर आएगा। फिलहाल अगर आप देखें करंट सिनेरियो को तो नंबर 4 के लिए पहली पसंद अंबती रायडू हैं, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने और विराट कोहली ने कसम खा रखी है कि जो खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करेगा वही खिलाड़ी टीम में रहेगा और जो खिलाड़ी प्रदर्शन करेगा वो खिलाड़ी टीम से बाहर जाएगा। और इस प्रोसेस में यहाँ पर विराट कोहली और बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने मिलकर भारतीय टीम को बर्बाद करने की ठानी और पूरी तरह से भारतीय टीम को बर्बाद कर दिया। श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे जैसे बेहतरीन टैलेंट को इन्होंने बर्बाद किया और अंबती रायडू जैसे खिलाड़ी जो आज डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए मना करते हैं उनको आप टीम में ले आते हैं और वो प्रदर्शन नहीं भी करते हैं तो भी वो नंबर 4 के लिए परफेक्ट हो जाते हैं। केदार जाधव का हम मान सकते हैं कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। केएल राहुल को इतने मौके क्यों दिए गए ये भी सोच से पार है। ऋषभ पंत को मौके तो दिए जा रहे हैं, आईपीएल में वो रन्स करते हैं, डोमेस्टिक में रन्स करते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल में रन्स नहीं कर पा रहे। साफ तौर पर सवाल उठना चाहिए, सवाल उठना लाजमी है और इस बार सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि नंबर 4 भारत के लिए अब सबसे बड़ी एक ऐसी गुत्थी है जिसको भारत अब तक नहीं सुलझा पाया। नंबर 4 और नंबर 6 की अगर आप बात करें तो नंबर 6 अब लगभग केदार जाधव अपने नाम पर लिखवा चुके हैं, विजय शंकर एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन युवराज सिंह, विंटेज युवराज सिंह की बात ही कुछ और है। एक तरह से कहते हैं, मतलब युवराज सिंह पंजाबी हैं तो पंजाबी भाषा में कहते हैं माता आना, तो जैसे ही वर्ल्ड कप आता है या फिर ICC टूर्नामेंट आता है तो युवराज सिंह का एक अलग ही प्रदर्शन देखने को मिलता है, एक अलग सी माता आती है युवराज सिंह के अंदर और फिर वो ICC टूर्नामेंट भारत की झोली में डाल देते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप से हम ये चीज़ देख रहे हैं। साल 1999 में जब मोहम्मद कैफ की कप्तानी में युवराज सिंह ने एक बेहतरीन वर्ल्ड कप जिताया था भारतीय अंडर 19 टीम को, तो युवराज सिंह की टीम में वापसी हुई थी। अंदर बाहर आने जाने का सिलसिला यहाँ पर युवराज सिंह का चलता चला जा रहा है।
लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर विराट कोहली जब से कप्तान बने हैं उन्होंने युवराज सिंह को दरकिनार किया हुआ है, पूरी तरह से बाहर किया हुआ है। आप ये कहते हैं कि आप यो यो टेस्ट और ये सारी चीज़ें करके खिलाड़ियों को फास्ट बनाते हैं। आज अगर आप भारतीय टीम को देखें, नंबर एक से नंबर छः के बल्लेबाजों को देखें, तो पूरी टीम जो है वो एक उम्रदराज टीम बन के रह गई है। आप एज फैक्टर आप देख सकते हैं, 34 साल के शिखर धवन, 32 साल के रोहित शर्मा, 30 साल के विराट कोहली, 37 साल के महेंद्र सिंह धोनी, 35 साल के अंबती रायडू और 35 साल के केदार जाधव। ये 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो उम्रदराज हैं। आप बात करते हैं युवा खिलाड़ियों, आज युवराज को लेकर अगर आप बात करें तो युवराज का आईपीएल में अब तक कोई प्रदर्शन खराब नहीं रहा है। उन्होंने नंबर 4 के लिहाज से कंपेरेटिवली अंबती रायडू या बाकी खिलाड़ियों से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और हो सकता है कि इस बार बीसीसीआई चयनकर्ता इस बात को जहन में रखें, क्योंकि मिड ऑफ द आईपीएल यानी कि कहीं ना कहीं 25-26 अप्रैल के आसपास भारत की वर्ल्ड कप टीम तैयार हो जाएगी और भारत अपने अभियान की शुरुआत आईपीएल के बाद करना शुरू कर देगा। अब देखना होगा कि क्या इस बार भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, क्या युवराज सिंह की वापसी होगी, और अगर युवराज सिंह की वापसी होगी तो कितने तरीके से और किस पैमाने पर उनकी वापसी होगी। अगर अंबती रायडू नंबर 4 के लिए परफेक्ट रहेंगे तो क्यों रहेंगे, विजय शंकर रहेंगे तो क्यों रहेंगे, ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी होंगी। अब युवराज के पास सिर्फ 3 से 4 मैचेस का वक्त है, अगर वो कर देते हैं प्रदर्शन तो वाकई में वो टीम में जगह पाने के पूरे हकदार होंगे, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर वर्ल्ड कप भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है 2007 वाली कहानी फिर रिपीट हो जाए। फिलहाल आपकी क्या राय है ये भी हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, और कहीं ना कहीं युवराज सिंह की वापसी को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। हमारी जो भी टीम है वो आपके कमेंट्स को ज़रूर देखेगी और आंसर करेगी। और फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।